खबर अंजर से। कांग्रेस कमेटी द्वारा गुना जिले में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अंजर नगर के बस स्टैंड स्थित सुभाष पार्क में मध्य प्रदेश के गुना जिले में हमारे पुलिस के 3 जवान को पुलिसकर्मियों को शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की। युवा कांग्रेस के राजपुर विधानसभा अध्यक्ष KP सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं अपराध पर नकेल कसने में असमर्थ नजर आ रही। पूरे प्रदेश में गुंडा राज जैसी स्थिति बनी है। पुलिस वालों के साथ कहीं मारपीट की जा रही तो कहीं अधिकारियों को धमकाया जा रहा। इसके बावजूद भी सरकार, गृह मंत्री कोई बड़ा एक्शन लेने में असमर्थ नजर आ रहे। उक्त बात युवा कांग्रेस के राजपुर विधानसभा अध्यक्ष KP सिंह ठाकुर द्वारा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महादेव भाई धनगर, मंडलम अध्यक्ष सुनील चौधरी, अंजर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय परमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय चौहान, युवा कांग्रेस के KP सिंह ठाकुर, ईलू ठाकुर, रितेश धनगर, हाजी इनायतुल्ला, साधु राम वर्मा, मोहसिन मसूरी, सचिन काका, युवा कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित रहे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम KP सिंह है, मैं राजपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जो आज कार्यक्रम किया गया, क्या संबंध में किया गया है? अभी पिछले दिनों गुना जिले में जो हमारे 3 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम आपके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार शिवराज सरकार में गुंडागर्दी और माफिया राज बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसका भी विरोध करते हैं। जैसे कि SI राजकुमार जाटव, उनके साथ हेड कांस्टेबल नीरज भार्गव और उनके साथ सिपाही संतराम जी का बर्बरतापूर्वक गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई, ये कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की विफलता दर्शाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके संरक्षक, इन माफिया राज के संरक्षक धीरेन्द्र सिंह बंटी, जो कि अरविंद भदौरिया जी एवं सिंधिया जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और शिवराज सरकार कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।